इसमें प्रॉपर स्टैंड भी नहीं हो पा रहा हूँ ना। और ये है भाई आपका एसी वेंट, यहाँ पर एयर कंडीशन है। तो दुबई में आप कहीं भी रहो ना तो एसी तो मिलता ही मिलता है। आप जैसे तो चलने के लिए काफ़ी छोटी जगह है, मतलब मेरे को काफ़ी बेंट होकर चलना पड़ रहा है ना। जितने भी पार्टीशन कैप्सूल्स हैं ना, सबसे कम प्राइस ऊपर वाले कैप्सूल का होता है। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद मैं एक नया व्लॉग बना रहा हूँ, और ये जो व्लॉग है इसका पर्पस है मैं अपने बारे में आपको बताऊँगा कि दुबई में एक्चुअली मैं कहाँ रह रहा हूँ, कैसे मैं स्टे करता हूँ, कैसी मेरी अभी रोज़ की ज़िंदगी चल रही है यहाँ पर, ठीक है। और बहुत दिनों से लाइक मैं कहीं घूमने नहीं जा पा रहा हूँ, उसका भी एक कारण है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लाइक मनी प्रॉब्लम एंड ऑल। कभी जॉब चलती है फिर मैं वहाँ से रिजाइन दे देता हूँ या टर्मिनेट हो जाता हूँ, फिर दूसरी जगह जॉब करता हूँ। तो दुबई में सेटल होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो जैसे भी करके अभी टाइम काट रहे हैं, और आप लोगों के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं बना देता हूँ बीच बीच में। तो अभी जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ ये है अल मनकूल एरिया, ठीक है। तो आज मैं आपको दिखाऊँगा अपना पार्टीशन, आप कैप्सूल कह लो, छोटे से कैप्सूल में मैं रहता हूँ, और इनका क्या प्राइस होता है, इन कैप्सूल्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, सब आपको मैं दिखाने को मिलेगा इस वीडियो में। तो अभी तो मैं एक छोटी सी बालकनी में पड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और ये मेरा फ्लैट है। अब चलते हैं अंदर जहाँ पे आपको दिखाऊंगा पार्टीशंस कैसे कैसे बने हुए हैं। तो ये एक रूम है, ठीक है, और अगर आप देखोगे तो ये लाइक बड़े वाला पार्टीशन है, ठीक है, जिसमें मेरा फ्रेंड रहता है उसमें लाइक दो लोग रह सकते हैं। तो ये वाले जो पार्टीशन है ना इसमें दो लोग रह सकते हैं, एक बंदा ऊपर सो सकता है, ऊपर सामने एसी वेंट लगा हुआ है, और एक बंदा नीचे सो सकता है। और इसमें छोटे छोटे से कपबोर्ड्स हैं अपना सामान वगैरह रखने के लिए, एक कपबोर्ड वो है, और अगर आपके कोई ट्रॉली बड़े बैग है तो वो आप ऊपर रख सकते हो, ठीक है। तो इस पार्टीशन को बोलते हैं हम लॉफ्ट टाइप पार्टीशन, ये दुबई में आपको ऑलमोस्ट हर बिल्डिंग में मिल जाते हैं। और इनका जो प्राइस होता है वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अगर आप शारजा साइड अलनादा साइड रहते हैं तो 1100-1000 दिरहम में आपको मिल जाता है। 1000 दिरहम इज इक्वल्स टू अराउंड 24,000 रुपीस INR मिल जाता है, जिसमें दो लोग रह सकते हैं। तो अगर ऊपर वाला शेयर कर रहा है 50% 50%, तो पर पर्सन 12,000 INR आपको कॉस्ट पड़ेगी इस वाले पार्टीशन की। और इस एरिया में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ये है बर्जुमान अल मनकूल के पास। तो यहाँ पे जो प्राइस हमें पड़ा है 1,400 दिरहम पड़ा है, लाइक ऑलमोस्ट 40% ज़्यादा रेट है। तो भाई हम ये मान लो इंडिया का 35,000 रुपये रेंट देते हैं, और दो लोग हैं तो 17,000 पर पर्सन पड़ता है, ठीक है। तो और इस बिल्डिंग में कैप्सूल्स भी हैं, तो कैप्सूल्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। कैप्सूल्स आपको थोड़ा और सस्ता पड़ता है। कैप्सूल में क्या होता है, जैसे ये लॉफ्ट पार्टीशन है, कैप्सूल में यहाँ तक होगा बस, जिसमें सिंगल पर्सन रहता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसे ये रूम्स हैं, तो दो रूम ये हो गए, और तीसरा, और ये जैसे चौथा रूम भी ऐसा ही है। और ये वॉशरूम है, जो ऑलमोस्ट अब मैं वॉशरूम को क्या ही बताऊँ, ठीक है, मतलब ठीक है। मैं आपको कैप्सूल दिखाता हूँ, ये अंदर यहाँ पे लोबी है जाने की। अब ये सेकंड वॉशरूम है जो बड़े वाला है, इसमें आपको बाथटब भी मिल जाता है, वो देखो जकूजी बाथ के लिए, ठीक है। तो और ये है किचन, किचन में सारा सामान आपको मिलेगा। किचन में ये जो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव और गैस सिलेंडर जो भी है ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके साथ जितने भी लोग इस फ्लैट में रह रहे हैं वो सब ये मतलब कॉमनली इसको यूज़ करिए, ठीक है। वॉशिंग मशीन कॉमन है, कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। और अभी यहाँ मेरे कपड़े धुल रहे हैं, ठीक है भाई। और खाना मैंने एक्चुअली मेस लगाया हुआ है, जो कि मतलब मंथली मेरे को 6,000 रुपीज़ पड़ता है, 6,000 INR, और मंथली दो टाइम का खाना मैं खा लेता हूँ, तो खाने का भी ऐसे चला रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये है कैप्सूल्स वाले पार्टीशन, इसमें क्या है, जैसे आप देखोगे नीचे वाले में तो एक छोटा सा पार्टीशन है, यहाँ पे लोगों ने कपड़े सुखा रहे हुए हैं, यहाँ भी अभी ये वाला काम पेंडिंग है, तो इसको नहीं दिखाता मैं, इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटा पार्टीशन है, मतलब अगर आप देखोगे
तो मैं इसमें प्रॉपर स्टैंड भी नहीं हो पा रहा हूँ ना, मतलब ये बस सोने के लिए है या आराम से इसमें बैठ सकते हैं? अगर आप कपल है, बजट कम है, तो दो लोग भी यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी आपको अलमीरा मिल जाती है, ये आपको कुशन मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री, और इसमें जो विंडो है यहाँ पे आप लाइक नेचुरल सनलाइट आती है, ठीक है। अभी ये ओपन नहीं होगी, होगी इन्होंने बंद करी हुई है। और ये है भाई आपका एसी वेंट, यहाँ पर एयर कंडीशन है। तो दुबई में आप कहीं भी रहो ना तो एसी तो मिलता ही मिलता है, क्योंकि बिना एसी के यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते आप। तो देख लिया आपने भाई कैसा पार्टीशन है ये। बाकी खड़ा तो नहीं हो जा रहा इस पर, अगर मैं इस पर बैठ पाऊँ लाइक अगर मैं अभी बैठा हुआ हूँ तो सही है, मतलब मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। काफ़ी खुली जगह है ना, और कुशन भी काफ़ी अच्छा है, मोटा है, बड़ा है, तो काफ़ी दो लोग आराम से इसमें सो सकते हैं। और ये जो कैप्सूल है इसका जो प्राइस पड़ता है वो पड़ता है आपको अराउंड 1000 AED, मतलब कि 24,000 रुपीज़। अब आप बोलोगे 24,000 में लॉफ्ट मिलता है तो ये क्यों लें, तो भाई ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यही कैप्सूल दूसरी लोकेशन पर जाओगे तो वो आपको 600 दिरहम में भी पड़ जाएगा, ठीक है। इसमें चाहे आप दो लोग रहो, एक लोग रहो, लेकिन अगर आप दो लोग हो तभी अलाउ करेंगे, अगर आप कपल हो, अगर आप दो बैचलर्स हो तो नहीं मिलेगा ये वाला कैप्सूल आपको। तो ठीक है, और कैप्सूल की खास बात यह कि आपको प्राइवेसी मिलती है, ठीक है। आप कुछ भी करो कोई आपको देखेगा नहीं, आपका यहाँ पे पर्स है, कोई भी कीमती सामान रखा हुआ है, कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे लॉकर भी मिलता है, और ये गेट आप अंदर से भी लॉक कर सकते हो, और आपको इसकी चाबी मिलेगी। तो जब भी आप बाहर जाते हो आप अपना पार्टीशन लॉक कर सकते हो, लाइक ये एक तरह से रूम ही है लेकिन कॉम्पैक्ट है, ठीक है। बस ये है कि वॉशरूम, किचन और जो उसमें सामान है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह, वो शेयरिंग पे बेसिस पे आपको मिली हुई है। तो दुबई में अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो ये बेस्ट है, सस्ता मिल जाता है। इसके ऊपर भी छोटे छोटे, इससे भी छोटे रूम्स हैं, क्योंकि ये जो ये वाला जो कैप्सूल है ये है लोअर वाला, मतलब नीचे वाला। अब ऊपर वाला भी आपको कैप्सूल मिलेगा, वो थोड़ा सा और छोटा होगा, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर ही बना हुआ है वो भी। तो हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है, ये सारे ना ये नीचे वाले हैं, जिसको आप देखोगे ये भी खाली है, ठीक है। इसमें एसी वेंट उधर दिया हुआ है, और ये है ऊपर वाले कैप्सूल। आप देख सकते हो चढ़ने के लिए काफ़ी छोटी सी जगह है, मतलब मेरे को काफ़ी बेंट होकर चढ़ना पड़ रहा है ना। अब ऊपर वाला जो कैप्सूल होता है उसका प्राइस भी उसी हिसाब से होता है, मतलब आपको 600 दिरहम, 700 दिरहम, मतलब इंडिया का 14-15 हज़ार रुपये में एक सिंगल कैप्सूल मिल जाता है आपको ये वाला। जैसे किसी का है तो मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा, इसका साइज दे सकते हो। इसमें भी कपबोर्ड मिलेगा, सामने एसी वेंट है, लाइट्स वगैरह है, ठीक है। मतलब इस यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब छोटे से कैप्सूल में आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी जो रूम में होती है। एसी भी मिलेगा आपको, कपबोर्ड भी मिलेगा, चार्जिंग पॉइंट भी मिलेगा, लाइट्स भी मिलेगी, सामान रखने की जगह भी मिलेगी, लेकिन साइज छोटा सा होगा। तो इस तरह की यहाँ की लाइफ है भाई। तो सिंगल पर्सन के लिए सही है, टाइम कट रहा है अपना। तो भाई यह तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट है, लेकिन प्राइस भी इसका बहुत कम होता है। बाकी सारे जितने भी पार्टीशंस कैप्सूल्स हैं ना, सबसे कम प्राइस ऊपर वाले कैप्सूल का होता है। आपको 600 दिरहम इंडिया का 13,000 INR में मिल जाता है, जिसमें एक बंदा आराम से रह सकता है। तो कैसा लगा आपको पार्टीशन? और ये इन्होंने एसी की सेटिंग बना रखी होगी, यहाँ पे आपको वाईफाई भी मिलता है, फ्री वाईफाई मिलता है। तो ये था ये फ्लैट में, ठीक है। तो ये जो फ्लैट है ना, ये 1 BHK, जिसमें 1 बेडरूम और हॉल। इसको आप बोल सकते हो कि ये पहले एक बेडरूम हुआ करता था, इन्होंने बेडरूम तोड़ के पार्टीशन बना दिया, और ये वाला पोर्शन हॉल है। हॉल में इन्होंने 4 पार्टीशन बना दिए, बड़े वाले लॉफ्ट टाइप वाले। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? अगर आपको ऐसी पार्टीशन बुक करना है
कमेंट सेक्शन में अपना नंबर मेंशन कर दीजिए, या फिर मैं अपना पर्सनल मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं दिलवा दूंगा आपको, 50-100 दिनों का कमीशन लूँगा, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपसे कोई कमीशन नहीं लूँगा मैं। और ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ट्राई करूँगा थोड़ा पैसा सेव करूँ और एक और नई कंट्री को एक्सप्लोर करूँ, जल्दी से जल्दी आपके लिए एक और नए ट्रैवल सीरीज लेके आऊँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।